रूस और यूक्रेन के विचकार कशीदगी का अठवां दिहाड़ा और हालात अजा भी उसी तरीके नाल। अकवामे मुतहदा के मुताबिक रूसी हमलों में इस वेले तिकर 552 शहरी हलाक होए हैं। ताहम अकवामे मुतहदा का यह भी मनना है कि आम हलाकतों की गिनती इसकी भी ज्यादा हो सकती है। जंग के इस माहौल में अजा भी कई ममालिक तअल्लुक रखे वाले हजारा तलबा यूक्रेन में फंसे दिन। याद रवे कि कल यूक्रेन थी जम्मू कश्मीर के कुछ तलबा दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे तय उन्होंने तलबा सुन जड़ी गलां दसियां उस सुन के इस गल का अंदाजा आंदा है कि जमीनी सूरत हाल किस कदर खौफनाक है। हुकूमत हिंद के ऑपरेशन गंगा के तहत अज सुबह IAFC 17 तैयारा गाजियाबाद के हनूद एयरबेस तय उतरिया। सरहदी इलाकों में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने की खुशी की एक वजह यह भी है कि पिछले एक साल ही सरहदा खामोश हैं। सरहदी इलाके के बच्चे आज भी उतिहाड़ा नहीं बिस्तरे, जब स्कूल के दौरान कई बच्चे बमबारी की वजह नाल अपने अंगा खो बैठे। वो बच्चे वो मावां ते वो उस्ताद जिन्हां सुन इस कशीदगी के दौरान अपने को गुमाया है, वही इन्होंने सरहदा की खामोशी की अहमियत को समझ सकते हैं। अज जीरो लाइन करना ते रह रहे कई बच्चों ते मास्टर सुन अपने ख्याल का इजहार करते हुए आख्या कि जगबंदी के बाद वो किस कदर अपनी तालीम एक बार फिर जारी करे तय खुशी महसूस कर रहे हैं। सारे सुन मिलकर यही ख्वाहिश जाहिर की थी कि यह जगबंदी इसी तरीके नाल रहनी चाहिए है और वो इसी तरीके नाल इलम दे नूर नाल मुनव्वर होंदे रवन। मतलब बहुत अच्छा लगा कि 2.5 साल के बाद सेशन स्टार्ट हुआ है। नहीं, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन में हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे और जो हमारे मतलब स्टूडेंट के साथ अट्रैक्शन होती है वो भी अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। माय नेम इज़ हिना कुरैशी, आई एम फ्रॉम गंडी, रीडिंग क्लास 9। मुझे बहुत अच्छा लगा 2.5 साल के बाद स्कूल खुले और हमारे नए नए फ्रेंड्स बनी, टीचर्स भी हैं यहाँ पे। और फरहाना नबी, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल टंगडार। हम रहते हैं यहाँ पे, ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे कभी फायर चलते हैं, कभी अब कोविड आ गया था उसकी वजह से हम सब की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खलल आया। आई एम सोबियस मी फ्रॉम क्लास 9th, आई एम फ्रॉम BMS टंगडार। हमें ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क का प्रॉब्लम था और डाउट्स हमारे क्लियर नहीं होते थे। मैं वाजिद सलीम, साइंस टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल टंगडार। जो हमारा इलाका है ये बॉर्डर इलाका है और यहाँ पर जानते हो जहाँ शेलिंग वेलिंग का भी चक्कर था, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से ये अमन हो गया, शेलिंग की बंद हुई है, तब से यहाँ बड़ा अमन का माहौल है। और हम दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल हमारा पूरा लगे। जब सुनते थे ऐसा, बट यस्टरडे इट वॉज प्रूव, जब हमने स्टूडेंट्स को देखा एक लंबे टाइम के बाद, देवर हेयर टू अटेंड द क्लासेज। Actually, we can say no classroom teaching, no teaching practice can replace the actual classroom teaching practice. ये हमने देखा। आंगनवाड़ी वर्करां सुन अज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान एक बार फिर मुतालबा किया कि उन्हें को महकमे बेच मुस्तकिल किया जुलै और उन्हें को मिले वाली तनख्वाह बेच भी वादा किया जुलै। एहतजाज कर रही इन्होंने कुड़ियां सुन लाल चौक दर जुले की कोशिश की, तो हम उतें तैनात कुड़ियों की पुलिस सुन उन्हें को इजा करी थी रोक छुड़िया। हम लोग करते क्या है, फ्रॉम पोषण अभियान जो गांव टू विलेज, फ्रॉम PMAVY टू लॉ इम्यूनिटी स्कीम, फ्रॉम ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क जो फ्रॉम बेसिस से हेड तक चला जाता है। फिर हमारे मोदी साहब है, हमारे बड़े बड़े अफसरान साहब मीडिया में बड़ा चढ़ा के हमने पोषण अभियान कर दिया, हमने लॉ इम्यूनिटी स्कीम कर दिया, हमने PMAVY के तहत लाखों अरबों को पैसे रिलीज किए। कहां से पैसे रिलीज किए? बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट। जो हम काम करते हैं, जो दिक्कत तो किसी को नहीं है, हेल्पर्स है यहां पे, नहीं वी आर वर्कर्स एंड इवन वर्कर्स बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी आर हियर इन दिस फील्ड। आई एम ऑल्सो PG, आई एम BEd एंड माई कलीग BEd MEd पोस्ट ग्रेजुएट MCA, वो लड़के इसमें आज काम कर रही है और उनको क्या दे रहे हो? 4,000 मेरे काम आने, मेरे पे पता नहीं 10-20 लाख दिस स्टेज खर्च किया और मुझे क्या मिला कहीं पर 4,000 रुपए और इतना काम ले रहे हैं। इवन आज ये आलम हो रहा है कि अप टू डेट कर दो पोषण ट्रैकर चलाओ। आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि पोषण ट्रैकर क्या है, RRS क्या है, रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम पोर्टल, इस पे हर एक डेथ चलती है हर एक महीना। महकमा फायर एंड एमरजेंसी में हुई तकरीरियां बेदानली की शिकायत को कहन के अज कई उम्मीदवारों सुन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान इन उम्मीदवारों सुन जांच कराले का मुतालबा किया। उधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा तय चमलवास कोल बट्टे खिसके नाल शाहरा बंद हो गई, जिसते करके कई गड्डियां राह बिच ही फस गईं। शाहरा दी बहाली दा काम जल्दी ही शुरू किते गया और आखिरी इतला मेले तकर बहाली दा काम मुकम्मल हो गया और गड्डियां को जुज़वी तौर ते बहाल कर छुड़िया है।
جنوبی ضلع کلگام دے کلپورہ سلڈر علاقے بیت کل شامی نامعلوم بندوق بردارہ سن ایک پنچ کو گولی مار کے ہلاک کر چھڑیا۔ پنچ دی شناخت محمد یعقوب ڈار ساکنہ کلپورہ سلڈر کلگام دے بطور ہوئی ہے۔ اس علاقے تے اج کئی سیاسی تے سماجی تنظیماں سن دکھ دا اظہار کیتا ہے۔ تو پھر ناظرین اج دی خبروں میں اتنا ہی، اجازت کے دے تھی پہلے تسن کو دستے چلا جی پہاڑی خبروں دے بلٹن استے یوٹیوب چینل دے نال نال استے فیس بک صفحے تے بھی دستیاب ہے۔ اس دے نال ہی اج دے بلٹن تھی اپنے میزبان زبیر قریشی کو دیو اجازت۔ بو اللہ دے والے۔